हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और कल का दिन हमने मिस कर दिया भाई, ब्लॉग शूट करना। कल का दिन भाई साहब जो पहाड़ों दिन था, मतलब इतना मज़ेदार दिन था, इतना मज़ा आया कल देर देर में पता नहीं था। बट क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, क्योंकि मैं 10 बजे वहाँ से अपने इवेंट से फ्री हुए, उससे मैं बिल्कुल कोई भी क्लिप शूट नहीं कर पाया हूँ। मेरा मन बहुत था शूट करने का, बट मैंने जो भी सीखा है वो मैं आपको वैसे भी बता दूँगा। आज हम होटल से चेकआउट मार चुके हैं, आज है लास्ट डे, और आज से 4 बजे तक का इवेंट है। वो इवेंट के बाद फिर देन आई विल गो बैक टू पुणे। पुणे में विमान की तबीयत भाई बहुत ज़्यादा कल रात को बिगड़ गई थी, वॉमिट वगैरह हुई, उसको पेट में दर्द हो रहा था। तो मेरा तो मन था भाई कल रात ही चला जाऊँ, बट हाँ कि चलो शायद रात भर संभल जाएगा, तो आज शाम को मैं निकलूँगा। और कल है मेरा मीटअप, तो आज शाम को निकल के 5 बजे निकलूँगा, आई थिंक 9 बजे तक पहुँचूँगा। कल सुबह फिर वापस भाग आऊँगा, मैं भी कल मीटअप रखा हुआ दुकान को लूँगा और ऋषि को लूँगा, और भाई भाग के वापस आ जाऊँगा मुंबई। फिर मुंबई में और 3-4 दिन हूँ मैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे करनी है, एक पॉडकास्ट है, मीटअप है, और भी लोगों से मिलना है। तो वो विल बी स्टेइंग हियर फॉर 3-4 डेज एंड देन वी आर फ्लाइंग टू इंटरनेशनल। हम इंटरनेशनल कहाँ जा रहे हैं भाई, वापस से देख लेना मेरे ब्लॉग। भाई निकल चुके हैं हम लोग यहाँ से, इवेंट हो गई हमारी ख़त्म, और बहुत मस्त खिलखिलाती हुई धूप है। आज सैटरडे का दिन है और अचानक से लग रहा है कि हम हो गए फ्री फ्री फ्री। बहुत ही मज़ेदार दिन था आज भी, क्योंकि जो एंड पार्ट में जो चीज़ें कवर हुई हैं आज, अगेन माइंड ब्लो कर दिया भाई उसने। तो स्पेशली कल का दिन और आज का दिन बहुत ही मज़ेदार था। बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट सुने और समझे, और जिनको लगता है कि भाई एग्जीक्यूट करोगे आप तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। तो अभी हम वापस जा रहे हैं पुणे, और रास्ते में हैं और 5:30 हो रहा है लगभग, 8:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। रियली एक्साइटेड भाई दोनों से मिलने के लिए। बहुत दिन हो गए, 4 दिन हो गए, बल्कि 5 दिन हो गए। मैं तो संडे को आया था, और आज सैटरडे है, नहीं मैं मंडे आया था। कब आया था यार, मैं भूल भी चुका हूँ कब आया था। मंडे को हम शायद वहाँ, हाँ मैं ट्यूसडे आया था, और आज सैटरडे। तो बहुत सारे दिन हो गए, आई एम रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड सबसे मिलने के लिए। और थक गया भाई, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, और तबीयत अपने आप ही ठीक सी लग रही है, क्योंकि लग रहा है कि भाई अब तो घर जा रहे हैं। बीच में थोड़ी सी हालत ख़राब हुई थी, तो दवाई तो खानी पड़ी है, पैरासीटामॉल, बट 3 पैरासीटामॉल दिन में खाते हो, मैंने अभी तक एक ही खाई है, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड नाउ गोइंग होम, आई डोंट थिंक कि मेरे को दवाई की ज़रूरत है, दे आर माई मेडिसिन। सो यस, लुकिंग फॉरवर्ड। आप लोग को बीच बीच में कुछ ग्लिम्सेस दिखाता रहूँगा भाई, हाईवे की मज़ेदार वाली, बढ़िया वाली। और मीनवाइल मुझे क्या काम करना है कि मेरा है कल मीटअप, मुंबई मुझे कल वापस आना है, और कल मीटअप है, उसकी लोकेशन भी अभी तक डिसाइड नहीं करी है, और लोगों को बताना है भाई कहाँ आना है, किस समय आना है, और इवन मेरा होटल भी अभी तक बुक नहीं है, कुछ भी नहीं हो रखा है। तो वो मैं, ये जो टाइम मुझे मिला है 3 घंटे का, मैं गाड़ी में बैठ के भी फिलहाल ये सब करने वाला हूँ। तो भाई रिसर्च करके जगह मैंने मॉल वॉल ढूंढ के बता दिया अपनी टीम को, टीम ने ग्रुप पे भेज दिया होगा मैसेज कि मैं कल कहाँ मिलने वाला हूँ। एंड ये मैंने मुंबई में नहीं, नवी मुंबई में रखा है, बट एट अ वेरी क्लोजर पॉइंट टू मुंबई, ताकि मुंबई वाले लोग भी कवर हो जाएं और नवी मुंबई वाले कवर हो जाएं। मैं मोस्ट ऑफली नवी मुंबई में रहने वाला हूँ, तो मैंने ऐसा रखा है जहाँ से मेरे को बहुत ज़्यादा दूर ना हो, और जहाँ तो मुझे लगता है कि यार नवी मुंबई में बहुत लोग, नए नए लोग बस रहे हैं, तो शायद उस तरफ के ज़्यादा लोगों को ज़्यादा कन्वीनियंट होगा आना, बट अगेन इट्स जस्ट एन अजम्पशन। तो भाई कल देखते हैं कितने लोग आते हैं मिलने के लिए, बट आई एम रियली रियली एक्साइटेड टू मीट एवरीवन, जो भी आएगा मिलने के लिए। एंड आई एम ऑल इयर्स टू जो भी लोग क्वेश्चन होंगे, जिनके भी भाई सब आंसर करने की मैं कोशिश करूँगा। तो भाई सोसाइटी में तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन हम बाहर ही, अब मेरे को उतरना पड़ा क्योंकि अब यहाँ से जाना है मॉल, घर पे कोई है नहीं,
तो यहाँ से मॉल जाना पड़ेगा और इंटरसिटी में अपेरेंटली भाई ड्रॉप लोकेशन भी नहीं चेंज कर सकते हैं, ये मुझे आज पता चला। तो कैब ने तो मुझे यहाँ छोड़ दिया, ड्रॉप मैंने किया ऑटो को, और कोई दूसरी कैब मिल नहीं रही है। ऑटो आ रही है 5 मिनट में, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे मॉल पवेलियन जहाँ पे लास्ट टाइम मैंने किया था अपना मीटअप, वहीं गए हुए सब, वहीं वापस जाना है। आने वाला होगा आई थिंक ऑटो, विल जस्ट टेक 5 मिनट्स, 5 मिनट लगेंगे। तो भाई बैक इन ऑटो, आज वहां से ऑटो नहीं किया था, आपको नहीं कह रहा, वहां से आज ऑटो नहीं किया तो भाई यहाँ पे कर लिया आज। मस्त ठंडी ठंडी हवा खाते हुए जाएंगे। Ha 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 ha!